अब चचा भतीजा, भतीजा ने कहा 10 लाख, चचा ने कहा 20 लाख। पहले भतीजा ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब, पहले तो आप कहते थे पैसा कहाँ से लाएंगे, पूछिए उनसे, जेल से आएगा। अब जेल वाले भैया कह रहे हैं हो आशीर्वाद दो, अब तू घरे रह से अच्छा बा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन अब एनडीए के तमाम नेताओं के निशाने पर सीधा नीतीश कुमार है। बिहार में चाचा भतीजे की सरकार हो गई है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अंतिम दफ़ा बने हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह आज गोपालगंज में थे, गोपालगंज में उन्होंने एक तरफ जहाँ रोजगार सहित तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरा है, वहीं कह दिया है नीतीश कुमार पीएम बनने की जो ख्वाहिश रख रहे हैं ये सही नहीं है, ये होगा भी नहीं, और वो अंतिम बार ही अब मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ गिरिराज सिंह कह रहे हैं जरा सुनिए। नई सरकार, रोजगार, पहले तो आप कहते थे पैसा कहाँ से लाएंगे, पूछिए उनसे, जेल से आएगा। अब जेल वाले भैया कह रहे हैं हो आशीर्वाद दो, अब तू घरे रह से अच्छा बा। अब जेल वाले भैया कह रहे हैं, तो अब उन्हें जवाब देना है कि रोजगार कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। जो कल तक कहते थे कि दारू बंद होनी चाहिए, दारू की नीति को फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए, उसका जवाब खोजना होगा। ये सारे प्रश्न एक्स प्रश्न की तरह बने। अब चचा भतीजा, भतीजा ने कहा 10 लाख, चचा ने कहा 20 लाख। पहले भतीजा ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपको मुख्यमंत्री से सहयोग नहीं मिलेगा, तो चिढ़ गए, मुझ पर भी गुस्सा किया टिका और टिक्की पर। आज चचा भतीजा एक दे राज्य के सामने प्लान बना करके दें कि हर क्वार्टर या हर से 6 महीने पर कैसे रोजगार देंगे। ये बिहार के अंदर में मतभेद पैदा कर सकते हैं। उन्होंने आरोप दो ही लगाया, आरोप लगाया कि इन्होंने अपमान किया। मुझे नहीं समझने में आता है कि अपमान की परिभाषा बदलनी होगी। अगर हम 43 सीट वाले या 74 ने अपना त्याग करके मुख्यमंत्री बनाया, अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा क्या होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बिहार एक आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बनते जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में PFI का जो निकला जखीरा, और 13 जिलों में उसके नेटवर्क मिले, और 2013 में इसी नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुआ। अगर हम इसका विरोध, हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करें, अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला व्यक्ति अपने को कहने में, क्योंकि अगर आतंकवादी का जखीरा खड़ा हो, अगर पूर्वांचल के 500 स्कूलों में, जब मैं किसी स्कूल से पूछता हूँ कि आज रविवार है, वीडियो का ऑफिस खुला है, कहता है आपको नहीं मालूम है संडे है, बंद रहता स्कूल को पूछता बंद रहता, लेकिन लालू जी से ये खेल शुरू हुआ और नीतीश जी तक 500-600 स्कूलों में शुक्रवार को बंदी होता। आबादी के अनुसार, आबादी क्या होती है, कानून कानून होता है, व्यवहार व्यवहार होता है। अगर ये हुआ, एक देश एक कानून नहीं रहा, मजहबी कानून होगा, शरिया कानून से चलेगा, तो गिरिराज जैसे लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे मुझ पर जो आरोप लगे। तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम समय चल रहा है, अंतिम कार्यकाल चल रहा है, इसके बाद वो कभी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये गिरिराज सिंह ने साफ साफ कह दिया है। क्या कुछ उन्होंने गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।